हाई एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज की वीडियो होने वाली है एक अमेज़न शॉपिंग हॉल वीडियो। दिवाली से पहले मैंने कुछ बेसिक छोटी मोटी अच्छी शॉपिंग करी है, तो मैं सोचा फटाफट से आपको आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सारी चीजें बहुत ही ज्यादा काम की एंड यूजफुल है। तो यस, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट से। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कुछ बेडशीट्स मंगवाई है मेरे इस बेड के लिए। तो मैं हर साल मैं हर साल दिवाली के टाइम पे थोड़ी बेडशीट्स ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि जो पुरानी बेडशीट्स होती हैं जिनके कलर थोड़े फेड हो जाते हैं, या तो मैं उनको निकाल देती हूँ, किसी को दे देती हूँ, या बेडशीट्स लेती हूँ दिवाली के टाइम पे। तो इस बार मैंने अभी तीन और बेडशीट्स, वैसे तो मैंने दो और अमेज़न से मंगवाई थी, जो आपने एक तो मेरे मेकओवर वीडियो में देखा होगा और एक अभी करंटली डली हुई है, उसकी मैं पिक्चर डाल दूंगी यहाँ पर। वो मैं अभी करंटली दोनों को यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ ही मैंने तीन और बेडशीट्स मंगवाई है। मैंने सोचा था कि इन तीनों में से शायद अगर एक आध भी ऊपर नीचे आएगी तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगी या रिप्लेस कर दूंगी, बट तीनों ही बेडशीट्स अमेजिंग क्वालिटी की आई है। मैं अमेज़न की बेडशीट्स बहुत यूज करती नहीं थी, बट क्वालिटी एकदम बॉम्ब आई है जो मैंने मंगवाई है। सारी अभी तक की जितनी बेडशीट्स आई हैं सब बहुत सही पीसेस आए। इनफैक्ट वॉश करके मैं इनको यूज करती हूँ, तो वॉश करने के बाद भी कलर वलर कुछ फेड नहीं होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी में रहती है। तो ये है मेरी फर्स्ट बेडशीट। इसका जो पिक्चर है कि ये कैसा मुझे दिख रहा था अमेज़न पे, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो बहुत ही प्यारे इसमें देखिए बेबी पिंक कलर के, नॉट बेबी पिंक, मतलब बेबी पिंक एंड डार्क पिंक मिक्स है उसमें, या येलो पिंक और ये ग्रेइश काइंड ऑफ फ्लावर्स बने हुए हैं। पूरी इसी तरीके से ऑल ओवर बेडशीट में फ्लावर्स बने हुए हैं, आप पास से देख लीजिए, ऐसे फ्लावर्स बने हुए हैं, बटरफ्लाइज बने हुए हैं। तो बहुत सुंदर लग रही है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड आई रियली लाइक व्हाइट बेस। प्योर कॉटन फैब्रिक है। इसका पिलो कवर दिखाती हूँ मैं आपको, येलो कलर का है और उसमें ये व्हाइट कलर के वो बने हुए हैं, राउंड राउंड सर्कल्स बने हुए हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन लग रहा है, मतलब आई नो थोड़ा सा ये देखिए इसके ऊपर ये बहुत सुंदर लगेगा, मतलब ये बेडशीट ऑल ओवर बिछाने पे बहुत सुंदर लगेगी। तो दिवाली पर्पज को सोच के नहीं मंगवाया मैंने इसे, चटक वटक नहीं मंगवाया, जस्ट ऑल ओवर ईयरली बिछाने के लिए बहुत सुंदर लगेगी। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेडशीट पे। तो जो नेक्स्ट बेडशीट है उसके मैं पहले आपको पिलो कवर दिखा देती हूँ। तो दीज आर द डबल साइडेड पिलो कवर्स। दिस इज द कलर ऑफ द बेडशीट, अगेन व्हाइट है एंड इसमें राउंड राउंड अलग अलग कलर्स के यू नो सर्कल्स बने हुए हैं। बहुत क्लासी पीस है, आप या तो इस तरीके से पिलो कवर्स रख सकते हैं एंड इफ यू वॉन्ट अ स्ट्राइप्स तो आप ऐसे स्ट्राइप्स में भी रख सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी लगी क्वालिटी एंड सब कुछ इसका इतना ज्यादा परफेक्ट है। एंड हाँ, ये जितनी भी बेडशीट्स है ये डबल एक्सल साइज की है, मतलब किंग साइज बेड पे और उससे भी बड़ा अगर आपका बेड है, डबल एक्सरसाइज का बेड है, तो आराम से उसके ऊपर आ जाएगी। इन प्रिंट है वो अगेन ऑल ओवर जो है वो इस तरीके से दी हुई है व्हाइट बेस में एंड बिल्कुल सटल, मतलब बहुत सर्कल्स बने हुए हैं पूरे इसमें अलग अलग कलर्स के, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। एंड स्पेशली उसका जो पिलो कवर है वो तो मतलब पूरी बेडशीट को बहुत उठा देगा जब पिलो कवर भी लगाऊंगी मैं। दिस इज ऑल्सो आई रियली लाइक इट, अगेन फैब्रिक इसका बहुत ज्यादा अच्छा है, प्योर कॉटन है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने बेडशीट मंगवाई है वो थोड़ी कलरफुल मंगवाई है, दिस इज इन द ब्लू एंड ग्रीन शेड में है, ये इस तरीके की है। मतलब समटाइम्स यू रियली नीड थोड़े कलर होने चाहिए, कभी कभी मेरा नेचर ऐसा है कि मैं 3-4 महीने एकदम मुझे सटल चाहिए होता है, फिर 3-4 महीने मुझे एकदम बोल्ड चाहिए होता है। मैं बोल बहुत जल्दी हो जाती हूँ, मैं बोल्ड थीम से बहुत जल्दी बोर हो जाऊंगी, फिर मैं सटल थीम से बहुत जल्दी बोर हो जाऊंगी। सो आई नीड चेंज, मतलब मुझे फ्रीक्वेंटली चेंजेस चाहिए होते हैं। तो जब मैं सटल वाले से बोर हो जाऊंगी तो मैं थोड़ा सा एम्प अप करने के लिए उस जगह को थोड़े कलर्स यूज करूंगी, तो तब के लिए मैंने ये मंगवाया। लुक एट द कलर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यू नो, ब्लू एंड ग्रीन एंड व्हाइट कलर के उसमें ये पिलो कवर है। अगेन जो बेडशीट है वो भी ऑल ओवर इसी तरीके के प्रिंट में है, ये देखिए इस तरीके के प्रिंट में पूरी बेडशीट दी हुई है। सो आई रियली लाइक दिस एज वेल। आपको ये जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स आज शेयर करे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी रहेगी, ये मेरे हॉल पैक स्टोर में आपको मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी शेयर कर दी है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे वो आपको मेरे स्टोर पे लेकर के जाएंगे और आप आराम से परचेस कर सकते हैं। तो ये सब मैंने अमेज़न से ही मंगवाया है। यू कैन फाइंड एवरीथिंग यू लाइक इन जस्ट वन सिंगल क्लिक। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो मैंने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगवाया है वो है ये अगारो का न्यूट्री ब्लेंडर। सो बेसिकली ये जो न्यूट्री ब्लेंडर है ये मुझे ब्रांड वालों ने पहले सेंड किया था एंड मैं उसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, 1 साल से मैं यूज कर रही हूँ एंड आई रियली रियली लव्ड दैट प्रोडक्ट। मतलब मुझे इतना ज्यादा पसंद आया, जब भी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मैं उसी को छोटा वाला जो ब्लेंडर जा रहा है उसको लेकर के गई थी एंड वी वर मेकिंग यू नो जो भी जूसेस वगैरह उनको पिलाने रहते थे, हम तुरंत फटाफट उसी में बनाते थे एंड सब कुछ करते थे। फिर उसके बाद आई वॉज कन्फ्यूज, हमको ये पता था कि मेरे को मेरे ये इन लॉज को भी गिफ्ट करना है और एक मेरे को मेरे मम्मी पापा को भी गिफ्ट
करना है दिवाली के टाइम पे, तो आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन कि वंडर शेफ वाला लिया जाए या ये लिया जाए। तो जो वंडर शेफ वाला न्यूट्री ब्लेंडर आता है उसकी जो पावर है दैट इज ओनली 400 वॉट का ही वो आता है, एंड ये जो न्यूट्री ब्लेंडर आता है अगारो का ये 1000 वॉट का आता है। 1000 वॉट का मेरे पास जो क्रोमा का प्रोसेसर है, फूड प्रोसेसर, वो भी उतने ही वॉट का है। तो आप सोचो इस न्यूट्री ब्लेंडर की कितनी खतरनाक पावर है। हम उसमें सारी तरह की चटनियां, मसाले पीसना, शेक बनाना, कुछ भी हमको करना होता है, जो भी हम जो क्रोमा का फूड प्रोसेसर है वो सिर्फ अकेला आटा गूंदने के लिए यूज करते हैं एंड बाकी कामों के लिए हम यही यूज कर रहे थे। तो आई थॉट कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है, तो मैंने एक अपने इन-लॉज को गिफ्ट किया है मंगवा करके, और सेम मैंने अपनी मम्मी पापा के लिए मंगवा करके उनके लिए भी गिफ्ट किया, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी यूजफुल प्रोडक्ट जो उन लोगों को काम आने वाला है। दो ब्लेंडिंग जार जिसमें आते हैं, साथ में अलग अलग लिड्स आती हैं, एंड यू नो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आई रियली लाइक इट एंड हाईली रेकमेंडेड। अगर आप सोच रहे हैं, मैं एक बार बोलूंगी कि आप फूड प्रोसेसर ना लेकर के इस न्यूट्री ब्लेंडर को ले सकते हो अगर आपको थोड़े कम बजट में कोई चीज चाहिए, तो इट्स अमेजिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है वो है ये नेट। तो लास्ट ईयर भी मैंने अपने घर के लिए इस तरह की एक मेश नेट ली थी, मॉस्किटो नेट जो होती है वो गेट पे लगाने के लिए। पेरेंट्स दे आर लिविंग इन गवर्नमेंट अपार्टमेंट एंड वील मूव सून टू आर ओन अपार्टमेंट, तो हमको नहीं चाहिए था कि हम प्रॉपर वो सब गेट वेट बनवाएं एंड ये सब। तो ये मुझे सस्ता सुंदर टिकाऊ अच्छा ऑप्शन लग रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उसके जो जहां पर मैग्नेट्स लगे हुए ना वहां पर एक कट आ गया। उस मैग्नेट का जो कवरिंग है वो रैगजीन से, तो रैगजीन में तो अगर एक कट आ गया गलती से भी तो वो पूरा फट जाता है। तो इस बार हमने क्या किया, इसमें एक कपड़ा टेलर भैया को देकर के इसमें एक कपड़े से स्टिच करवा लिया ताकि ये मजबूत रहे एंड एटलीस्ट अभी 2 साल चल जाए आराम से, और ये हमने लगा लिया है। वैसे ये इसकी नेटवर्क की क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छी है, वर्क बहुत अच्छा करता है। फिर लिविंग इन रेंटेड अपार्टमेंट या आप ऐसे किसी गवर्नमेंट अपार्टमेंट में रहते हैं या खुद के घर में भी रहते हैं एंड आपको ऐसे लमसम खर्चा नहीं करना है मतलब ये सब गेट वेट लगा करके, तो आप इस तरीके का नेट मैश ले सकते हैं। इट्स अमेजिंग बिकॉज भैया वैसे ही आजकल डेंगू मलेरिया इतना ज्यादा फैलता है कि डर लगता है मॉस्किटोज से, तो मॉस्किटोज प्रोटेक्शन तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने ये डोर पे इस तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दिस टेंस मसाजर, तो अगेन दिस इज फ्रॉम अगारो ब्रांड। अगारो के साथ मैं काफी बार काम कर चुकी हूँ तो मुझे उनके ब्रांड्स के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट है, मैंने यूज किया हुआ है। दो वो कोलेबोरेशन में थे बट फिर भी आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ देयर ब्रांड एंड बजट वाइज भी ठीक रहते हैं। तो मेरी मम्मी का आई थिंक मैंने ब्लॉग में बहुत बार बोला है कि उनका जो ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह से उनका जो वो टैबलेट्स ले रही हैं अभी इन्फेक्शन की, तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ रहा है, वो काफी नेचुरल है, मतलब डॉक्टर्स ने बोला है कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा उन टैबलेट से, तो उसकी वजह से उनको काफी जॉइंट पेन होता है एंड थोड़ा सा लेग में उनका पेन करता है। तो उनको रिलैक्सेशन देने के लिए मैं मसाजर मंगवाया है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये एक टेंस मसाजर है। अगर क्या करता है आपके, आपको इसको अपने बॉडी पे इस तरह से, सपोज आपको यहाँ पर पेन हो रहा है हाथ में, तो आपको यहाँ पर स्टिक करना होता है, आप स्टिक कर लीजिए एंड देन आप इसको ऑन कर लीजिए। तो ये क्या करेगा, वाइब्रेशन से वहां पर वाइब्रेशन क्रिएट करेगा वहां पर, एंड वहां के वहां का ब्लड सर्कुलेशन आपका स्पीड अप हो जाएगा एंड साथ ही साथ वहां का जो पेन है ना वो कम हो जाता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। मतलब माय मदर इज टेकिंग दिस मसाज सिंस 15-20 डेज एंड उनको बहुत रिलैक्स फील होता है वो करने के बाद। वो वहां पर थोड़ा सा कुछ मूव वगैरह लगा लेती हैं एंड देन उसके ऊपर मसाज करती हैं। तो इट्स वेरी वेरी गुड इफ यू हैव पेरेंट्स इन योर होम और उनको जॉइंट पेन होता है या उनको ऐसा कुछ पेन रहता है, तो आप डेफिनेटली उनको ये गिफ्ट कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही यूजफुल गिफ्ट है ये, डेफिनेटली आप ट्राई जरूर करिएगा। तो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड यस यही थे मेरे सारे प्रोडक्ट्स। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। सो यस दैट्स इट फॉर माय वीडियो, आई होप रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।